प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झमटुली से नवजात शिशु की तबीयत बिगड़ने से उसे डॉक्टर के द्वारा जिला अस्पताल छतरपुर के लिए रेफर किया गया, जिसे एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने के पहले ही मासूम की मौत हो गई। मासूम बच्ची के परिजन राधा अहिरवार ने बताया कि एम्बुलेंस का स्टाफ शराब के नशे में धुत था और जिला अस्पताल पहुंचने के पहले ही शराब के नशे में रास्ते में 30 मिनट के लिए एम्बुलेंस को खड़ा कर दिया। परिजन जल्दी चलने की मिन्नत करते रहे, लेकिन शराबी स्टाफ ने एक भी नहीं सुनी और जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही मासूम की मौत हो गई। दरअसल बमीठा क्षेत्र के निवासी झमटुली की सखी अहिरवार की डिलीवरी शुक्रवार की रात 8:30 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झमटुली में हुई और बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बच्ची को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिससे डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया और बमीठा से एम्बुलेंस को बुलाया, जिस पर सीताराम गुप्ता चालक और पप्पू स्टाफ के रूप में मौजूद थे और शराब के नशे में धुत थे। वो बदतमीजी से बात भी कर रहे थे। उन्होंने एम्बुलेंस में कम लोगों को साथ में ले जाने को कहा तो पीड़ित के परिजन इसमें भी राजी हो गए और कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस जिला अस्पताल के लिए रवाना हुई, लेकिन जिला अस्पताल छतरपुर के 10 किलोमीटर पहले एम्बुलेंस अचानक रोक दी गई। जब पीड़ित के द्वारा पूछा गया कि एम्बुलेंस क्यों रोकी गई तो एम्बुलेंस स्टाफ ने जवाब दिया कि वो अपनी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। कागजी कार्रवाई के बहाने एम्बुलेंस 30 मिनट तक रुकी रही और उसके बाद रात में एम्बुलेंस जिला अस्पताल पहुंची, तब डॉक्टर द्वारा मासूम को मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस दौरान वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि बमीठा पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और तब जाकर विवाद शांत हुआ। वहीं 108 एम्बुलेंस के प्रभारी रोहित सिंह राजपूत का कहना है कि रास्ते में कहीं पर भी एम्बुलेंस को नहीं रोका गया और बच्ची की मौत झमटुली के स्वास्थ्य केंद्र में ही हो गई थी। सर, ये हुआ है कि हमारी बहू के पेट में दर्द था, डिलीवरी थी तो उनको है ना छतरपुर रेफर करा था, तो उसने जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का उसने ना ड्रिंक कर रखा था, तो छतरपुर के आधे रास्ते में ना उसने आधा घंटा गाड़ी रोक रखी थी, आधा घंटा पहले ले जाता तो लड़की हमारी बच जाती। तो ये घटना हुआ है वहाँ के बाद में उसे वहाँ लेके गया है, तो छतरपुर में जब डॉक्टर ने देखा तो ये ड्रामेबाजी करने लगा, कह रहे हम नहीं जा रहा, ये वो दुनिया भर की बातें बोलने लगा, बोला 1000 रुपये दोगे तो हम लेके जाएंगे ना तो नहीं जाएंगे। महिला की डिलीवरी झमटुली में हुई थी, सीरियस थी बहुत ज़्यादा, तो अगर ये टाइम पर ले जाता तो बच्ची बच जाती हमारी, आधा घंटा इसने लेट करा है। हाँ, शराब की नशे में तो बहुत ज़्यादा, दोनों शराब पी रखी थी, बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, इस वजह से बच्ची की मौत हो गई है। हाँ, बदतमीजी भी की है, गलत भी बोल रहा था, उल्टा सीधा कह रहा था, अगर तुम नहीं हो पैसे दोगे तो ये करूँगा वो करूँगा, दुनिया भर के बोल रहा था।